हेलो गाइस, वेलकम टू दीपक्स ब्लॉग। और इस समय मैं आया हूँ ग्रेटर नोएडा के और अपने इंडिया के सबसे बड़े टॉप मॉल्स में आने वाले द ग्रैंड वेनिस मॉल। ये मॉल इटली के में एक सिटी है वेनिस करके, उसी की कॉपी बनाया गया है। और हम जब इसके अंदर जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि इंडिया में भी इतना अच्छा मॉल हो सकता है। जब आप इसके अंदर चलेंगे तब आपको इसकी खूबसूरती का नज़ारा पता चलेगा। और ब्लॉग देखते रहिए, मेरा पहला ब्लॉग है। और अगर छोटी मोटी गलती हो रही है तो वो स्टार्टिंग है ना, बाकी सब सही हो जाएगा। और मैं अभी खाली बैठा था तो मैंने कहा चलो एक्सप्लोर करता हूँ। मेरे घर के पास में ही है जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ, तो आपको भी मैं इसे दिखाता हूँ। ये सामने का आप देख सकते हैं और मैं अभी इसके बाहर खड़ा हूँ। और ये ग्रेटर नोएडा में परीचौक से 2-3 किलोमीटर आगे एक पड़ता है। यहाँ पर ऑटो वाले से बोलना पड़ेगा कि भाई वेनिस मॉल जाना है और वो आपको सीधे इस गेट पे पहुँचा देगा। और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। बाहर से तो ये इतना खूबसूरत है, जब हम इसके अंदर चलेंगे ना तो एकदम नज़ारा बदल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि हम इंडिया में हैं या इंडिया से बाहर हैं। और बाकी जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं, जैसे हम बोटिंग भी कर सकते हैं और इसमें बच्चों को खेलने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं कि बच्चे आकर अपना पार्क जो बच्चों के गेम्स होते हैं वो भी कर सकते हैं। तो अभी जो मैं इसके अंदर बाहर हूँ तो मैं एक्चुअली मेरा पहला व्लॉग था तो मैं एक्साइट होके, अभी मुझे नहीं पता पब्लिक में क्या रिएक्शन रहेगा, तो पब्लिक में रिएक्शन देखते हैं। और सबसे पहले बाहर का इंटीरियर हम देख सकते हैं और चलते हैं। अभी ये मेन सीढ़ियाँ हैं जहाँ से हमें सीधे चल के जाना है। और यहाँ पर हम आ गए हैं फर्स्ट, यहाँ पर पार्किंग है। अभी मैं वहाँ से खड़े होकर आपको बता रहा था सारा कुछ। और टोटली इसके अंदर चलते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। अंदर आ चुका हूँ और मुझे अभी जाना है नीचे और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। फिलहाल अभी तो चलता हूँ नीचे। सबसे अच्छा काम यहाँ पे है कि इसके अंदर हम बोटिंग भी कर सकते हैं। और वो जो सामने आप एरिया देख रहे हैं ना, उस साइड बोटिंग का एरिया है और वहीं पे ऊपर सबसे टॉप पे वो ऊपर देख रहे हैं, वहाँ पर गेम्स है, वहाँ पे बच्चों के गेम्स वगैरह ये सब मतलब अच्छा तरीके से बना हुआ है, वो भी देख सकते हो। अभी सबसे पहले तो मुझे बोटिंग देखना सबसे अच्छा लग रहा था कि मुझे जाके और बोटिंग करना है। और अभी भीड़ बढ़ती जा रही है तो मेरे अंदर का एक्साइटमेंट लेवल एक अलग ही लेवल पर जा रहा है, तो वो बाद में पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो फिलहाल अभी आपको मैं बोटिंग दिखाता हूँ। यहाँ पे टोटली इसका और सामने एक कैफ़े बना हुआ है H&M के सामने। और वो देखिए बोटिंग, इसका टिकट प्राइस आई डोंट नो क्या होगा, बट अब आप अंदर की खूबसूरती देख सकते हैं। अभी मैं बिल्कुल डाउन फ्लोर पे खड़ा हूँ। मॉल की सबसे यूनिक चीज़ दिखाऊंगा, क्योंकि जो ऊपर से नीचे तक ये सीढ़ियाँ हैं, हम किसी भी इलेक्ट्रिक सीढ़ियों वाला यूज़ नहीं करेंगे, बस हम नेचुरली इनसे जाएंगे और इनका एंजॉय करेंगे। टोटली ऊपर से नीचे तक गई हुई है और ऐसे ही चारों तरफ घूम घूम घूमेंगे और चारों तरफ ही गई हुई है। सेकेंड फ्लोर पे आ गया हूँ मैं एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ ऐसा सीन है। और अभी हम चाइना स्टोर के मेन पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है चॉइस स्टोर, और ये चाइना का ही स्टोर है तो सामने लगा हुआ है द चॉइस स्टोर। इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे लाइक गिफ्ट्स और यूनिक यूनिक चीज़ें मिलती हैं जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे। और सामने मिस्टर डाई लगा है, अभी जल्दी में मिस्टर डाई स्टोर जो खुला है, इसके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं
लाइक कवर्स मैंने अपनी सीढ़ी बरेली से कवर्स बाय किया था, तो वो भी इस मिस्टर ढाई के अंदर मिल गया था मुझे आसानी से। तो अभी वहाँ पे भी चलेंगे, उससे पहले आपको चाइना स्टोर का चॉइस स्टोर दिखा दूँ। चाइना स्टोर के अंदर, चॉइस स्टोर के अंदर, तो मैं जैसे ही एंट्री किया उन्होंने मुझे मना कर दिया कि वीडियो शूट आप नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ पर बोलना बंद कर दिया, मैंने आपके लिए चुपके से वीडियो शूट कर ली और फिर मैं चुपके से वीडियो बना ली, वो भी मैं आपकी डाल दूंगा क्लिप में, आप देख लेना। अब फिर मैंने आपको मिस्टर ढाई के बारे में बताया था कि मिस्टर ढाई जहाँ पर काफ़ी अच्छी यूनिक यूनिक चीज़ें मिलती हैं, तो मैं अभी उस शॉप पर जा रहा हूँ। और आप, मैं बोल तो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर वीडियो अलाउ नहीं है वहाँ पर, तो मैं चुपके से वीडियो बना लूँगा, उसका कोई ऐसा सा साउंड लगा लूँगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन वहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। मस्ती जोन के पास, मस्ती जोन जहाँ बच्चों के गेम्स खेले जाते हैं अच्छे अच्छे, और यहाँ पर स्नो मस्ती यानी -12 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ रिलेटेड, मतलब कि आर्टिफिशियल बर्फ होती है उस टाइप का। तो उसका मेन इंटीरियर ये सामने है, मस्ती जोन अंदर। तो वो टिकट प्राइस भी होंगे क्योंकि यहाँ पर लिखे हुए हैं 1299। कॉम्बोज भी है यहाँ पर टोटल 1199, और ये सारा कुछ दिखाओ। यहाँ पे सामने द हाउस ऑफ डेड है, शायद वो भूत बंगला टाइप का कुछ है, और इसके अंदर का भी कुछ प्राइस होगा ये सामने है। यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, वो लोग सामने देखो, ये बड़ा अच्छा ही हुआ, कभी मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगा। और कितना भाई, ये कितना खतरनाक लग रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल खिड़की पर लोग आ गए हों। और वो हाउस ऑफ बोलना, और इधर सब लगे हुए हैं। मैं टोटली यहाँ पे आया था तो मुझे इतना पता भी नहीं था कि मैं इतना सब जो पब्लिक के सामने भी बोल पाऊँगा। फिलहाल जो भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं सामने बोल रहा हूँ। मस्ती जोन देखने के बाद मैं आ गया था खाने के लिए, और फिर मैं यहाँ पर मैंने बर्गर किंग से कुछ ऑर्डर किया, बट मैं चाहता था मैकडी, क्योंकि मुझे बर्गर किंग से अच्छा मैकडी का बर्गर अच्छा लगता है। फिलहाल अभी सुखाते हैं, फिनिश करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। सारा मॉल घूमने के बाद मैं आ चुका हूँ फिर से उन्हीं गोल गोल सीढ़ियों में, और मैं जा रहा हूँ मॉल के बाहर। आपको थोड़ा सीन दिखा के फिर मुझे जाना है हॉस्टल, क्योंकि लेट हो रहा है, शाम को 5:30 बजने वाले हैं, फिर मैं निकलता हूँ। क्योंकि अभी इतना शोर हो रहा था, जितना रिकॉर्ड हो सका मैंने उतना रिकॉर्ड किया। और बाकी मैं जितना भी यहाँ पे आइडियो अच्छा नहीं आया होगा ना, तो वहाँ पे मैं अच्छा कोई सॉन्ग लगा दूँगा। ओके, तो मैं बाहर मिलता हूँ आपसे। मैं आ चुका हूँ अंदर से बाहर, और अब बाहर का मैं कुछ सिनेमेटिक सीन शूट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में,
अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरा पहला ब्लॉग है। थोड़ी बहुत गलती की मैंने कि आईडियो कहीं पे सही नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ अंदर शोर था। तो आज अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले दिनों में कुछ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं डालता रहूँगा और ऐसे ही आप देखते रहना। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है।